हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रमोद और आप देख रहे हो सुलावी एडवांस सिटी यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर आपको क्लास नाइन्थ के फिजिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, फिजिक्स न्यूमेरिकल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस। तो इसके कुछ इंट्रोडक्शंस दे देते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन से इक्वेशंस का उपयोग किया जाता है और क्या क्या से टॉपिक होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े हो और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है आपसे, तो आपके लिए वीडियोज है, आप इसको देखिए और एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, हर एक फॉर्मूला वाइज, हर एक कंसेप्ट वाइज। इससे आपका कंसेप्ट जो होगा क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में कुछ बेसिक थिंग्स होती है जो ज़्यादातर फार्मूला में यूज किया जाता है। वो यूज किया जाता है तीन फॉर्मूले, इसी तीन फॉर्मूला जो बेसिक होता है, उसके अलावा तो और तो फॉर्मूला है ही हमारे लिए, लेकिन ये जो बेसिक फॉर्म होता है तो उसका है। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा होता है फोर्स बराबर एम ए, फोर्स बराबर एम ए यानी कि एफ जो होता है फोर्स होता है और एम जो होता है मास होता है और ए जो होता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। P बराबर एम भी, ये हमारा एक और इक्वेशन होता है। P जो होता है क्या होता है, मोमेंटम होता है, और M जो होता है सिंपली मास होता है, और हमारा V जो होता है वेलोसिटी होता है। उसके अलावा हमारे पास एक और इक्वेशन है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम के लिए तो एक हमारा फॉर्मूला हो गया, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी वस्तु के बारे में जितना भी फोर्स लगा दीजिए, कितना भी उसको चेंज वगैरह कर दीजिए, उसके मोमेंटम का जो कंजर्वेशन होता है कि फोर्स लगाने से पहले का उसका मोमेंटम और फोर्स लगाने के बाद का मोमेंटम दोनों समान होता है। अब उसका एक कंडीशन होता है जो कि एक इक्वेशन इसको बनाया गया है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। इक्वेशन होता है जो कि प्रारंभिक वेग में उसका मोमेंटम अलग होता है और अंतिम वेग में उसका मोमेंटम अलग होता है, लेकिन दोनों को देखा जाए तो एक तरह से कंजर्व होता है, हमेशा बराबर होती है। उसके अलावा इसमें और चीजें हमको मिलती है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब होता है कि कोई ऐसा वस्तु जिसके अंदर वो ऐसा एक क्वालिटी होता है, एक ऐसा टेंडेंसी होता है कि वो हमेशा अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, अगर वह चल रहा है तो हमेशा चलना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स को एक्ट ना किया जाए, उसको बाहरी बल लगाया नहीं जाए। सपोज मान के चलिए कि एक तीर कमान से बाहर निकलती है और वह सीधे तरफ जा रही है, जब तक वह आगे बढ़ती है कुछ समय के बाद वह नीचे गिर जाती है ना, तो नीचे तब तक नहीं गिरेगी जब तक इसको हवा ना रोके या नीचे ग्रेविटी ना खींचे। अगर ये दोनों चीजें अगर नहीं होती है तो ये तीर जो होगा हमेशा सीधा जाएगी, यह न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता। न्यूटन सेकेंड लॉस में हम लोगों को कुछ इक्वेशंस मिलते हैं जिसमें कुछ रूल होता है कि जो मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम का जो दर होता है वो फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस चीज का हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शंस होता है कि जब आप किसी को कुछ रिएक्ट फोर्स लगाते हो तो वो भी आपको उतना ही फोर्स लगाता है। सपोज मान के चलिए कि हम इस मार्कर में इसके कैप को जितना एनर्जी से हम इसको धक्का देंगे, उतना ही एनर्जी से कैप इसको भी हमको ऊपर में धक्का देगा। अगर हम बोर्ड को नीचे की तरफ हम धक्का देते हैं तो बोर्ड भी हमको उस तरफ की धक्का देता है। अगर बोर्ड के फोर्स लगाने से अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब जाकर के बोर्ड अंतर में जा सकता है, अगर बोर्ड के इक्वल में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इक्वल रहेगा। तो ये तीन चीजें यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। उसके बाद हमने बताया कि मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें पढ़नी है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगा। सो इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप इसका थ्योरेटिकल पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है हम आपकी मदद करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू।